पिछले कल जो एक यहाँ पर घटना हुई है, मुझे भी राजनीति में 25 वर्ष हो गए हैं, लेकिन ये पहली बार ऐसी घटना ऐसी के ऑफिस में हुई है जो हैरान करने वाली है। एक सीनियर ऑफिसर के ऑफिस में जाना और उनके साथ मिसबिहेव करना, ये बहुत बड़ी घटना घटी है। ऐसी घटनाएं जो आम आदमी को विचलित करती है। मैं इतने बड़े ऑफिसर के साथ उनके ऑफिस में घुस जाना और उन्हें एक घंटा बंधक बनाना, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। इसका जिक्र जब ये मुझे मालूम हुआ तो मैंने अपने विधायक महोदय श्री प्रकाश राणा जी से ये बात कही कि हमारे जोगिंद्रनगर में कुछ कांग्रेसी नेताओं के द्वारा ऑफिस में जाकर वहां उनके साथ हाथापाई करना, आप अभी विधानसभा सत्र लगा है, आप इस मुद्दे को जो है विधानसभा में रखिए। और उन्होंने पिछले कल जो है विधानसभा में ये मुद्दा रखा। माननीय हमारे विपक्ष से नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी इस मुद्दे को सदन में रखा। आपने देखा होगा कि उन्हें बोलने का मौका मिला, लेकिन बीच बीच में ये भी कहा गया कि आपका टाइम हो गया, आप बैठ जाओ। तो मेरा निवेदन है कि ऐसी घटना फिर से ना हो, इसलिए जो है हम यहाँ जोगिंद्रनगर मंडल के हमारे जो सारे कार्यकर्ता आज यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, हमने एसडीएम महोदय के पास ज्ञापन दिया। उनके माध्यम से जो ये ज्ञापन जो है मुख्यमंत्री जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है सुखविंदर सुखी जी के पास ये जाएगा, और इस घटना के प्रति संज्ञान उन्हें लेना होगा, नहीं तो हमारा जोगिंद्रनगर मंडल जो है सड़कों पे उतरेगा, आंदोलन करेगा। मैं आज ये भी कहना चाहता हूं कि ये जो कर्मचारी है जो सरकार की नीतियां इंप्लीमेंट करते हैं, वो पार्टी के नहीं सरकार का कार्य करते हैं, और उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार करना ये एक कर्मचारी के साथ हुआ है। लेकिन मैं आज ये कहना चाहता हूं, लेकिन चोट जो है सभी कर्मचारियों को पहुंची है। हमारे विधायक प्रकाश राणा जी पिछले 5 सालों से, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब सरकार सत्ता में थी, उसमें कभी भी कर्मचारियों को प्रताड़ित नहीं किया गया, कभी ट्रांसफर किया नहीं गया, सब कर्मचारी खुश थे। लेकिन आज दुर्भाग्य यह है कि 9 महीने की अभी वर्तमान में इनकी सरकार है और इस सरकार में जो है इतनी बड़ी घटना हुई है, ये अपने आप में बहुत बड़ी घटना है। मेरा निवेदन है कि इस घटना में जो भी दोषी पाए जाते हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। सरकार से मांग है कि ये व्यवस्था परिवर्तन है, या हम इसके विरुद्ध सड़कों में जब हम आंदोलन करेंगे तो सारी महिलाएं, हमारी महिलाएं, युवा और सारे जो है ऐसी जो कर्मचारियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट है ऐसे कोई कर्मचारी जोगिंद्रनगर में नहीं आएंगे। और यहाँ पर जो आज तक मुझे लगता है कि 25-30 साल के इस राजनीतिक सफर में ये घटना जो हुई है ये निंदनीय है। आज मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूंगा। और पिछले कल जो हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो एक बिल पास हुआ है महिला आरक्षण का, ये भी मैं थोड़ा सा इसमें जोड़ना चाहता हूँ। ये एक
बहुत बड़ा कार्य हुआ है। महिलाओं को आरक्षण 33% आने वाले चुनावों में, विधानसभा के चुनावों में, लोकसभा के चुनावों में मिलेगा। और महिलाएं आज जो है पूरे भारतवर्ष में मोदी जी का स्वागत कर रही हैं, इस बिल का स्वागत कर रही हैं। हमारे जोगिंदर नगर में भी इसका जो है खुशी से सब महिलाएं इसका स्वागत कर रहे हैं। आज मैं यही बात कहना चाहता हूं और ये भी कहना चाहता हूं कि एसपी मंडी और पुलिस महानिदेशक हिमाचल प्रदेश से निवेदन रहेगा कि ये जो घटना हुई है इसमें जो है अनकंट्रोवर्सियल जो ऑफिशियल ऑफिसर जो है वही लगाए जाए, ताकि इस घटना का जो है जांच जो है इस घटना की जांच अच्छी तरह से हो और जो इसमें संलिप्त होंगे उनके ऊपर जो है कड़ी कार्रवाई की जाए।